हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? स्वागत है आपका पैसे सूरजी में। आज का जो हमारा एमसीक्यू का जो सेशन है इंडियन पॉलिटी का, वो बेसिकली पार्लियामेंट से पे डिपेंड है। तो बिना किसी देर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये आपको देखना है। लेकिन आपको याद रखना है कि मैं जो ये एडिशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे पार्लियामेंट का देख सकते हो, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सच है, इसमें देखना है। तो भारत के संविधान में विशेष रूप से किसी भी लेख में संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख नहीं है, राइट? दूसरा क्या है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन किए बिना सदन की अवमानना हो सकती है। तो ऑप्शन कौन सही होगा दोस्तों? दो सही होगा, क्योंकि ये जो दूसरा ऑप्शन है ये कुछ हद तक सही है। बाकी अगर बात की जाए ये फर्स्ट वाली ऑप्शन की, ये गलत है, ये सही है, राइट? अब क्यों है इस बारे में देखना है। तो आप यहाँ पर उत्तर देखो ये है, राइट? स्पष्टीकरण की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मूल रूप से संविधान 19 अनुच्छेद जो है 105 में स्पष्ट रूप से दो विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है, अर्थात संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रशासन का अधिकार, राइट? प्रशासन का अधिकार यहाँ पे देख सकते हो आप। और हालांकि दो वाक्यांश भी हैं, दो वाक्यांश भी हैं, कौन कौन? विशेषाधिकार का उल्लंघन, राइट? अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे सदन की अवमानना का उपयोग पारंपरिक रूप से किया जा सकता है, उन्हें उनके अलग अलग निहितार्थ हैं, राइट? आमतौर पर विशेषाधिकार का उल्लंघन करने पर सदन की अवमानना हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन टू हमारा सही है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। हालांकि सदन की मान्यता का व्यापक प्रभाव विशेष रूप से विशेषाधिकार का हनन किए बिना सदन की अवमानना हो सकती है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि हमारा ये जो सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट भारत के संविधान में विशेष रूप से किसी भी लेख में संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख नहीं है, लेकिन यहाँ तो है, देख सकते हैं आप। तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन तो आपको मालूम है कि कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा सत्य है, इनमें से कौन सा सत्य है? आप देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन। पहला है कि संसदीय विशेषाधिकार अटॉर्नी जनरल तक विस्तारित नहीं होते हैं। संसद में बोलने की स्वतंत्रता एक सामूहिक विशेषाधिकार है। संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति तक विस्तृत होते हैं। और डी में ऑप्शन है हमारा ऊपर के सभी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बी। अब यहाँ पर देखना है कि ऑप्शन बी में क्या है, संसद में बोलने की स्वतंत्रता को एक सामूहिक जो है विशेषाधिकार मिला हुआ है। आप देख सकते हो ऑप्शन बी हमारा जो है सही है, राइट? ऑप्शन बी में आप एक बार ध्यान से देख लो, ये आप यहाँ पे देख भी सकते हो। अब ये क्यों है दोस्तों? स्पष्टीकरण के मामले में अगर देखा जाए तो संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा विशेष अधिकारों और प्रतीक्षा और छूटों का आनंद लिया जाता है। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति के लिए विस्तारित नहीं होते हैं, जो संसद अभिन्न अंग भी है, उन्हें संसद में बोलने की स्वतंत्रता होती है, राइट? अब यहाँ पे देखना है कि संसद में बोलने की स्वतंत्रता भी होती है, ये तो आपने देख लिया कि सही है। और संसदीय विशेषाधिकार जो है राष्ट्रपति तक विस्तृत होते हैं, ये क्या है, गलत है, नहीं होते, यहाँ लिखा भी हुआ आप देख सकते हो, राइट? तो ये तो आपने देख लिया, लेकिन अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा तीसरा, तो तीसरा है दोस्तों थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन है इसका। तीसरा महीकरण, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सरकार और प्रशासन पर संसद के प्रभावी नियंत्रण में बाधा है? पहला, अनुदानों की मांग की तकनीकी प्रकृति, केवल पोस्टमार्टम का काम। तीसरा, संसद का बड़ा आकार। तो ऑप्शन सब जो है तीनों सही होगा, इसमें तीनों ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है, यानी उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आखिर में इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है दोस्तों? स्पष्टीकरण में अगर देखें आप ध्यान से, तो आप ये पाएंगे कि भारत में सरकार और प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण वास्तविकता में सिद्धांत से अधिक है। व्यवहार में नियंत्रण उतना प्रभाव नहीं है जितना कि इसके कारण होना चाहिए, राइट? तो आप यहाँ पे बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, लेकिन हम लोग जो है मेन एक्सप्लेनेशन, यानी जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप दूसरा में देख सकते हो, दूसरा एक्सप्लेनेशन, दूसरा पॉइंट कि सांसद की वित्तीय नियंत्रण अनुदान की मांगों की तकनीकी पूरी तरीके से बाधित है, राइट? तो ये तो यहाँ पे क्या है, ये कारण हो सकते हैं। दूसरा, केवल पोस्टमार्टम का काम, तो इसमें हमें देखना है कि केवल पोस्टमार्टम का काम जो यहाँ पे दिया होगा, और साथ ही साथ सांसद का बड़ा आकार। तो यहाँ पे सांसद का पांचवा पॉइंट देखें, सांसद का बड़ा आकार होने की जो है बहुत प्रभावी होने के लिए बहुत बड़ा और असहनीय है। सांसद का आकार बहुत प्रभावी होने के लिए बहुत बड़ा और
असहनीय है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया ओवरऑल कि हमारा जो दो पॉइंट है वो इसमें यहाँ पे मेंशन है। लेकिन एक जो हमारा जो पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ कर ये केवल पोस्टमार्टम का काम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सांसद कार्यपालिका जो है यहाँ पे मेंशन भी है, सांसद में कार्यपालिका द्वारा प्राप्त बहुमत समर्थन से प्रभावी आलोचना की संभावना कम हो जाती है, राइट। अब यहाँ पे देखना है कि जो सबसे काम है कि जो सातवां पॉइंट आप देख सकते हो कि वित्तीय लेखा समिति जैसे कि सार्वजनिक समिति या सार्वजनिक व्यय की जांच करती है, क्योंकि यह कार्यपालिका द्वारा किया गया अर्थात पोस्टमार्टम का कार्य। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों जो है, आप यहाँ पे पॉइंट देखो कि तीनों यानी जो हमारा डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी ये सही है, राइट। तो ये तो आपने देख लिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो चौथे क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंशन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सांसद की न्यायिक और चुनावी शक्तियों पर जो है और शक्तियां और कार्य हैं, तो इसके बारे में हमें देखना है। तो आप देख सकते हैं कि यह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। दूसरा, संसद चुनावों को विनियम करने के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत है। तीसरा, यह संविधान में संशोधन कर सकता है। यह अपने सदस्यों को इसके विशेषाधिकारों के उल्लंघन या इसके अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। तो यहाँ पे देखना है कि तीसरा जो है यह संशोधन में यह संविधान में संशोधन कर सकता है, ये गलत है ना। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सही होगा, 1, 2 और 4, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट सही। आप यहाँ पे एक बढ़िया से अगर आप इसको अगर ब्रीफ लुक लें तो फर्स्ट आपका सही है, सेकेंड सही है, थर्ड गलत है, फोर आपका सही है। तो इस तरीके से आपका जो है 1, 2 और 4 सही हुआ, यानी ऑप्शन बी, राइट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोस्तों न्यायिक शक्तियां और कार्य के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो यह संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर हमला कर सकता है, यह अपने सदस्यों या बाहरी लोगों के लिए विशेषाधिकार का उल्लंघन या इसकी अमान्य के लिए दंडित कर सकता है, और संसद को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए संसद के दोनों सदनों, राइट, दोनों सदनों और अन्य विधानमंडल के दोनों सदनों को चुनाव के लिए विनियमित करने के लिए कानून बनाने के अधिकृत किया जाता है। तो इसके अनुसार संसद ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव 1952, जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 को आदि को अधिनियमित किया है। तो ये तो आपने देख लिया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे क्वेश्चन इसमें लग रहा था, जिसके चांसेस ज़्यादा है मुझे, मेरे अगर मेरे मैं अपने अनुसार बात करूँ तो आने की, वो थी पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसद की वित्तीय और घटक शक्तियां और कार्य हैं। पहला, संसद की मंजूरी के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। दूसरा, संसद में संसद द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। तीसरा, बजट को संसद द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है या जाना है या जाता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है तीनों सही है। अगर आप बात करें तो ये हमारा जो ऑप्शन है डी उपरोक्त के सभी, यानी ये उत्तर हमारा जो है तीनों सही है, तीनों ही हमारा सही है दोस्तों। अभी क्यों सही है इसके बारे में देखना, थोड़ा एक्सप्लेनेशन। तो देख सकते हैं वित्तीय शक्तियां और कार्य प्राधिकरण के अलावा संसद की मंजूरी के साथ कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता है, और यह एकत्र नहीं किया जा सकता है, और कार्यकारी द्वारा कोई खर्च नहीं किया जा सकता है। संसद को संविधान में संशोधन, ध्यान देना है, और बदलाव या किसी प्रावधान के निरस्त के लिए अधिकार के साथ निहित किया गया है, ये ध्यान देना है आपको, निहित किया गया, और संविधान के प्रमुख हिस्से को संसद द्वारा विशेष बहुमत के साथ जो है बहुमत के साथ संशोधित किया जा सकता है दोस्तों, ये ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यता का बहुमत, यानी कितना, कुल 50% से अधिक, और बहुमत 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 2/3 से कम, और प्रत्येक सदन में उपस्थिति और मतदान करने का सदस्य का जो है वहां पे मौजूद होना चाहिए, उनकी वहां पे अवेलेबिलिटी रिक्वायर होनी चाहिए। संविधान के कुछ अन्य प्रावधानों को संसद द्वारा सरल बहुमत से प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित मतदान करने वाले अधिक सदस्य हैं, राइट। अब यहाँ पे देखना है कि संविधान के कुल कुछ प्रावधानों के संसद द्वारा विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, तो कम से कम आधे राज्यों को विधानसभा साधारण बहुमत द्वारा की सहमति से भी किया जा सकता है। तो ये आप यहाँ पे देख लेना है कि टोटल एक्सप्लेनेशन है। मेरा ओवरऑल कहना ये था कि मैं जो ये अभी ये हमारा छठा एडिशन आया है जिसमें हम पार्लियामेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि पार्लियामेंट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, राइट। जिसमें क्वेश्चन में भी ये 30 भी हो सकते हैं या 40 भी हो सकते हैं,
जिसका एक बहुत ग्रेट चांस है एग्जाम में आने का, राइट, ग्रेट चांस है एग्जाम में आने का। तो चलिए हम लोग आगे, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। बाकी जो इंग्लिश वाला वर्सन है आप इसको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। तो चलिए आज का भी, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए